हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक और मज़ेदार हलवे की रेसिपी। ये है लौकी का हलवा, बहुत सारे लोग इसे दूधी भी बोलते हैं, तो उसका हम हलवा बनाएंगे। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, इसका टेस्ट तो मुझे गाजर के हलवे से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाते हैं ईजी और सिंपल तरीके से। ये इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे लौकी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब लौकी ली है। इसका साइड साइड का पोर्शन कट कर देंगे और हमें इसे अच्छे से छील लेना है। यहाँ पर मैंने बिना बीज वाली लौकी ली है, इसमें बीज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल छिल चुकी है। अब हम इसे बीज से कट कर लेंगे। तो देखिए गाइस, इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, बस थोड़ा सा है। तो अब हम इसे चार चार पीसेज में कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से अब हम इसमें से भी एक पीस कट करेंगे। तो बस यहाँ पे रेडी है और हमें इसके बीज का पार्ट ऐसे निकाल देना है। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमें सारा निकाल के तैयार कर लेना है, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे निकाल लिए हैं, अब चलते हैं आगे की तरफ। हम इसे ग्रेट करेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से हमें सारी लौकी को ऐसे ग्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये रेडी है, अब हम निकाल लेंगे इसे अलग बर्तन में। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में एक कप के करीब घी डाला और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालकर पहले हम फ्राई करके निकाल लेंगे। फिर अब हम इसमें डालेंगे दो इलायची, मैंने यहाँ पर लिया, इसका तड़का लगाएंगे और फिर हम इसमें लौकी ऐड करेंगे। लौकी डालने के बाद हमें इसे तुरंत के साथ चलाते जाना है, इसे हमें अच्छे से पकाना है। लौकी को हमें तब तक भूनते रहना है जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाए। हमें इसे ऐसे चलाते के साथ पकाते रहना है, भूनने रहना है। तो अब देखिए ये करीबन सॉफ्ट हो चुका है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने एक कप फुल क्रीम मिल्क लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। मैंने इसे 7 से 8 मिनट तक सॉफ्ट किया घी में, फिर इसके बाद इसमें हमने मिला दिया दूध और दूध डालकर हमें इसे पकने देना है। डोंट वरी, लौकी जल्दी पक जाती है, बहुत अच्छी तरीके से ये पक जाएगा। ये पहले से भी घी में सॉफ्ट हो चुका था तो ये बहुत अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये पक चुका है, देखिए इसका सारा दूध भी ड्राई हो चुका है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब चीनी ली है, तो इसमें हम चीनी डाल देंगे। इसमें थोड़ा कम ही चीनी पड़ती है, हल्का मीठा ये होना चाहिए, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है। चीनी डालने के बाद तो इसमें बहुत सारा मॉइस्चर हो ही जाता है, तो हमें इसे पकने देना है जब तक कि चीनी का सारा पानी ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चीनी कितनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिंच ग्रीन फूड कलर लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें, नहीं तो रहने दें। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आता है, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल दिखने लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया, अच्छे से मिलाएंगे और हमें इसके चीनी के पानी को बिल्कुल ड्राई होने तक पकने देना है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऊपर से मावा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मावा लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। मावा डालने के बाद अब हमें चलाने का काम करना है तेज़ तेज़। तो इस तरीके से हम कुछ ऐसे चलाएंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अब हमें गैस ऑफ कर देना है। यहाँ पे ये रेडी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओहो कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छा होता है। मुझे तो ये गाजर के हलवे से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे निकाल देंगे, ऊपर से हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मज़ेदार लौकी या दूधी का हलवा बन के तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके पास सूजी नहीं है, गाजर नहीं है, इससे ही बनाएं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और जल्दी से बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।